आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के जो रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए जनरल इंग्लिश की क्लासेस अपलोड की जा रही है। और आज हम इसके सिलेबस और इसके पैटर्न के बारे में आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या आपके आएगा। तो राजस्थान के यूं कह सकते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है वो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में लागू है, जहां पे जनरल इंग्लिश का, जनरल हिंदी का, कंप्यूटर का, एनवायरनमेंट का, यानी ये पेपर अवश्य ही आते हैं। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये जो टाइटल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इस चैनल पर आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें आपको बता दूं बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और कंपिटिशन क्लासेज, इसके साथ साथ कंप्यूटर भी और आपके पर्यावरण भी, ये सारे विषय है वो आपके लिए पढ़ाए जाएंगे। और आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। जैसे हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस तो बराबर चल रही है, आज जनरल इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो रही है, तो इसलिए आप सपोर्ट करें अधिक से अधिक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जनरल इंग्लिश में, यानी जनरल इंग्लिश पढ़ने का एक कारण और भी है, जिसको मैं आपको एक बहुत ही अच्छी नोटबुक के ऊपर पढ़ाऊंगा। यानी जो नोटबुक है, नोटबुक में जिस प्रकार पढ़ाया जाता है, वैसे आपको पढ़ा के बताऊंगा कि हमें किस प्रकार उनका अध्ययन करना है। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। और इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये मैं आपके नोटबुक पर ले चलता हूँ आपको, और नोटबुक पे आ जाइए आप। ये अपनी नोटबुक है, इस पे हम आज पढ़ेंगे, यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो अपनी है, इंग्लिश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका सबसे पहले यदि हम इसका जनरल इंग्लिश का, चाहे वो यानी चाहे वो बीए है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीकॉम है, चाहे कोई भी है, उन सभी के लिए ये कंपलसरी है। और जो विद्यार्थी इंग्लिश से एग्जाम देंगे उनके लिए सिलेबस में क्या क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए टेंस रहेगा, टेंस रहेगा। दूसरा, आपके लिए इसमें आर्टिकल रहेगा। तीसरा, आपके लिए इसमें एक्टिव पैसिव रहेगा, यानी वॉइस रहेगी, जिसको हम एक्टिव पैसिव कह सकते हैं, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव कह सकते हैं। इसके अलावा आपके चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा नरेशन का, कौन सा होगा, नरेशन का, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। इसके अलावा आपके मॉडल होगा, मॉडल्स के अलावा आपके, यानी चौथा पांचवा जो है मॉडल्स होगा, मॉडल्स के अलावा आपके छठा जो है वो क्लाज है। और इसके अलावा सातवां यदि हम देखें तो आपके कनेक्टिव जिसमें आएंगे, कनेक्टिव आएंगे। आठवां यदि इसमें देखा जाए तो आपके फोनेटिक्स भी इसमें पूछा जाएगा, फोनेटिक्स भी पूछा जाएगा। नौवां यदि इसमें देखा जाए तो प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको टेग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, टेग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यानी ये मोटा मोटी आपके जो है, यानी ये ग्रामर का है। इसके अलावा आपके पैसेज भी आएंगे, पैसेज भी आएंगे। अब पैसेज भी पूछे जाएंगे और पैसेज भी जो है आएंगे, तो यूं कह सकते हैं कि इसमें ग्रामर जो है, यानी जो ग्रामर है उसकी 50 अंक, और बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक है उसके 50 अंक, लगभग ये रेशियो रहता है। कई जगह क्या होता है कि जैसे बुक 60 की कर दी जाती है और ये 50 की, 40 की कर दी जाती है, कई जगह ग्रामर 60 की आ जाती है, बुक 40 की आ जाती है, तो इस ये लेकिन 50-50 लगभग है वो आपके जरूर ही होता है। तो ग्रामर का अध्ययन हमें करना होता है। अब इसके लिए पेपर कैसा होगा, पेपर आपके लिए इसका जो है वो एमसीक्यू वाला होगा, कौन सा होगा, एमसीक्यू। और एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, कौन सा होगा, बहुविकल्प वाला, बहुविकल्प यानी ए बी सी डी, ये दिए होंगे
और आपको उसमें ओएमआर शीट दी जाएगी, ओएमआर शीट में उसे भरना होगा। ऐसा पेपर आपके आता है, बहुत ही अच्छा पेपर होता है, सरल होता है। अब हमें जैसे मान लो अब हम इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो टेंस पढ़ेंगे, और टेंस से संबंधित आपके देखिए कैसे पेपर आता है। टेंस यदि आप अच्छी तरह से याद कर लेते हो, टेंस के दो वीडियो में हम टेंस को पढ़ लेंगे लगभग, दो या तीन वीडियो में, और इसके अलावा जैसे लगभग दो दो वीडियो में हम पूरे कवर कर लेंगे। तो ये अपना जो 20 वीडियो इसके होंगे, 20 वीडियो का मतलब है लगभग 6-7 घंटे का कार्यक्रम होगा, और 6-7 घंटे में अंग्रेजी ग्रामर जो है वो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इसके साथ साथ आपके लिए जो अन्य जो आगे जो एग्जाम्स होती है उनमें भी ये बहुत अधिक काम आती है। मैं आपको इसे थोड़ा लेवल से हटकर के पढ़ाऊंगा ताकि आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। अब ओएमआर शीट पर जो भरना होता है तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको यदि अच्छी तरह से यदि आपको याद है तो ही आप इसे कर पाते हैं। तो हम कल जो है वो टेंस से शुरू करेंगे, और आज जो है ये जो वीडियो है इस वीडियो के आधार पर आप जरूर बताएं कि आपका जो है लेवल या किस आधार पर आपको पढ़ाया जाए, और ताकि आपका ज्ञान है वो अच्छी तरह से बढ़ सके। मैं आपके लिए जो वीडियो लाऊंगा वो बहुत ही अच्छे सटीक होंगे, और जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं पहले, यानी जो 12th क्लासेज में जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है, वो विद्यार्थी तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी शैली कैसी है। तो आपके लिए हिंदी साहित्य, जनरल हिंदी, इंग्लिश, यानी जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे विषय हैं, वो आपको कॉलेज स्तर के सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। इंग्लिश मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इंग्लिश के अलावा हिंदी की जो है वो भी आपको, जनरल हिंदी जो है वो इतनी अच्छी पढ़ाएंगे कि आपके लिए जो उसमें ग्रामर है, और वो ग्रामर कंपटीशन लेवल की ग्रामर आपको करवा दूंगा। वैसे तो आप जो है कंपटीशन में आपकी ग्रामर आती है, ये दोनों चीजें इंग्लिश की, हिंदी की जो ग्रामर है वो सबसे ज्यादा काम में आती है। हिंदी की ग्रामर तो बहुत ही ज्यादा काम में आती है, तो ये मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा ताकि आपके वो भी ज्ञान हो जाएगा, और आपका जो यानी जो पेपर है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि जैसे इंग्लिश शुरू करें या हिंदी शुरू करें, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें, यानी जनरल इंग्लिश शुरू करें, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, इनमें से कौन सा आप जो है शुरू करें, ये आप जरूर बताइएगा। आपको इसी को भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए आराम से वो कवर हो जाए। और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और मेरी बात भी पसंद आई होगी। बाकी पॉलिटिकल की और हिंदी साहित्य क्लासेस तो वैसे चल रही है, हिस्ट्री की शुरू होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक जुड़ते रहें ताकि आपका जो ज्ञान है, आपका सिलेबस है, वो समय पर हो जाए। तो आज तो यही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ जानकारी देनी थी, आपके आपके विचार जानने हैं कि आपको जनरल इंग्लिश पढ़ाई जाए या जनरल हिंदी पहले पढ़ाई जाए। तो आप निश्चित रूप से मुझे लिखेंगे, जो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर लिखिएगा कि पहले कौन सी क्लासेस शुरू करें। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश कहोगे तो इंग्लिश कर देंगे, जनरल हिंदी कहोगे तो जनरल हिंदी कर देंगे। जिनके ज्यादा वोट्स होंगे, जिनके ज्यादा यानी जिनके ज्यादा जो मत होंगे, तो उसके आधार पर जनरल और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश दोनों शुरू कर देंगे। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए काम में आने वाली है, उनको भारत के सभी विश्वविद्यालयों के लिए काम में आने वाली है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।